भारत जिस तरह से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये उसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया में जर्मनी फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और ये उपलब्धि भारत ने महज 2 सालों में ही हासिल कर ली है। और इसी के साथ ही साथ भारत लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए भी दिखाई दे रहा है। दरअसल जब से भारत को अरब देशों की तरफ से धक्के लगने शुरू हुए हैं, भारत ने अपना ज़्यादातर फोकस अक्षय ऊर्जा पर ही केंद्रित कर दिया है, जिससे भारत आगे चलकर इन देशों को रौंद सके। और इस समय भारत से आगे केवल चीन और अमेरिका ही हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि भारत द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विकास करने के कारण भारत गैर पारंपरिक ऊर्जा के मामले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से अधिक हो गई है। यहाँ हम आपको बता दें कि नई तकनीकों को बढ़ावा देते हुए फ्लोटिंग प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। और तो और भारत के ऊर्जा सुधारों की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि पुराने ऊर्जा सिस्टम के होने के बावजूद भारत ने तेजी से अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और तो और 2040 के आते आते कोयले के मुकाबले सोलर पैनल से ज्यादा बिजली बनाई जाएगी। और जिस तरह से OIC देश तेल के लिए मनचाहा पैसा वसूलने की फिराक में थे, उस दिन से भारत समझ गया कि अब भारत को समय रहते तेल पर से अपनी निर्भरता को कम करना होगा। यहाँ भारत सौर ऊर्जा के जरिए कार, बस और मोबाइल टावर्स और ऐसे कई माध्यमों की जरूरत भारत सौर ऊर्जा के जरिए से उनकी बैटरियों को चार्ज करके पूरी कर सकता है, जिससे भविष्य में भारत में तेल की खपत भी कम होगी। और आप देखिएगा, आने वाले वक्त में भारत अरब देशों से तेल के इम्पोर्ट को भी 40-50% कम कर देगा। और यहाँ पर खास बात यह है कि सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को 100% तक कर दिया है। सरकार कई ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट चला रही है, जिससे निवेशकों को आसानी हो। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में केंद्र सरकार ने इस तरह के कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। और तो और राजस्थान में पहला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनकर तैयार भी हो चुका है। अब यहां भारत चीन के लिए भी बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है, क्योंकि भारत सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। क्योंकि इससे पहले भारत ने चीन से अपने घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए PLI स्कीम की घोषणा की थी, ताकि भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को भारत में बढ़त मिल सके और वो चीन के दबदबे को साफ कर सके। और अब ऐसा लगता है कि भारत अक्षय ऊर्जा के मामले में बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं दिख रहा है, जो जाहिर सी बात है चीन और अमेरिका की टेंशन बढ़ा देगा, क्योंकि अगला नंबर उन्हीं का है।